हेलो फ्रेंड्स, एंड वी आर हेयर डिस्कसिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आखिर व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूपीएससी। आज आपको देखकर लगता होगा कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ हैं और पहले के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, लेकिन एग्जामिनेशन बॉडी का सर्टेन पर्पस है, उसका सर्टेन एक आइडिया है। दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू राइट आंसर्स सो दैट यू कैन गेट फ्यू स्किल्स एंड यू कैन यूज देम अकॉर्डिंगली। सो हेयर वी आर गोइंग विद जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स। उस जमाने में जनरल स्टडीज पेपर वन और पेपर टू दो हुआ करते थे। आफ्टर 2013 और इंक्लूडिंग 2013 ऑनवर्ड्स वी हैव जनरल स्टडीज पेपर वन टू थ्री फोर। तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड लेट्स सी that how we can interpret, how we can analyze and how we can write them in a simple but at the same time in an efficient manner so that we can move towards success. The first question is impact of the following on India. That means again question says ki impact on India. Ab kuch bhi impact on India it is asking. So first it is asking Great War of 1914 to 18. So impact of Great War of 1914 to 18, तो सोचने वाली बात ये, यहां पर उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लिखा, ग्रेट वॉर लिखा। यानी अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है तो दीज थिंग्स ऑल्सो टेक फ्यू सेकेंड्स इन एग्जाम टू अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहा है, एंड दीज फ्यू सेकेंड्स में कॉस्ट यू सर्टेन वोकैबुलरीज। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल एंड ह्यूमन, तीन हमने एलिमेंट बना दिए, चार एलिमेंट बना दिए हमने, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, ह्यूमन एंड कल्चरल। लेकिन इसके जगह अगर हम ऐसा बनाते तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल। तो आपका क्या कहना है, मार्क्स ज्यादा आते या जैसा यहाँ लिखा गया मार्क्स वैसे ज्यादा आते? चलिए उसके अंदर भी देखते हैं इकोनॉमिक्स में मैं क्या लिखता। इकोनॉमिक्स में लिखा है इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डोमेस्टिकली। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वाकई ये इम्पैक्ट है? ये इम्पैक्ट नहीं है, ये तो प्रोसेस है। इकोनॉमिक का इम्पैक्ट में हम क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे दैट इंडियन इंडस्ट्रीज वर गिवन मोर स्पेस बाय द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड। इकोनॉमिक्स में हम लिख सकते थे डेली वेजेस एंड देर वॉज हाई इन्फ्लेशन एंड देर वॉज डिप्रेशन इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। फिर हम एक फैक्ट और लिख सकते थे दैट देयर वॉज इंक्रीज इन लेबर क्लास। सो दैट इज वाई 1917 बोल्शेविक रिवोल्यूशन वॉज देयर। वी आर नॉट राइटिंग दैट, आई एम जस्ट मेकिंग यू वट यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद 1918 में, 1918, 1919, 1920, इस पीरियड के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनी और उसने भी उनके राइट्स की बात करने की बात की। इकोनॉमिक्स में हम लिख सकते थे कि एट द सेम टाइम इंडिया सफर्ड फेमीन्स, एट द सेम टाइम देर वॉज पॉवर्टी, हंगर एंड रूरल इंडेबटेडनेस। तो ये ग्रेट वॉर का इम्पैक्ट था, यानी कि लिमिटेड इंडस्ट्रिएशन को बढ़ाया और बाकी चीजों को कम किया। इसका मतलब ये सारी चीज मुझे जो है 5 मिनट के, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 पॉइंट के अंदर लेके आनी है। देन हिस्टोरिकल क्या होता है भाई? हिस्टोरिकल तो वर्ड हमने लिख दिया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि यहां पर होना चाहिए था पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल इंपैक्ट में राइज ऑफ गांधी जी, पोस्ट रॉलेट एक्ट इवेंट्स, कमिंग ऑफ होम रूल लीग, डिमांड फॉर सेल्फ रूल इन इंडिया। तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज विच वर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे रीच द पीक एंड देन दे एप्ट। तीसरा जैसा मैंने कहा आप लिख सकते हैं सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बाकी इवेंट्स हैं, जो बाकी बॉडीज हैं, उसके अंदर भी चीजें बदलने लगी। आपको उसका एग्जाम्पल भी देना चाहिए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा हो, चाहे फिर वो पेजेंट मूवमेंट्स इन यूपी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया हो। फिर जैसा मैंने कहा कल्चरल में आप क्या लिख सकते थे? सो दिस इज द पीरियड विच विल विटनेस राइटिंग्स, दिस इज द पीरियड और पीरियोडिकल्स होंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर होंगे जिसके अंदर नेशनलिज्म की बात की जाएगी। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्यों नहीं आपका टॉप रैंक आएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये लिखना इतना आसान है? क्या एक बार में आप ये सब लिख पाएंगे? तो सोचिए इसके लिखने के पीछे क्या चाहिए। सो वी रन डिफरेंट कोर्सेस, वी रन डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो इन ग्रुप्स सो दैट वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट दो स्किल्स। देर इज नो शॉर्टकट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ग्रीन रिवोल्यूशन। इस पे भी क्या पूछा गया है? वट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन इंडिया? इम्पैक्ट
भाई एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, क्या होता है एग्रीकल्चर, नहीं लिखना चाहिए ऐसा, आपको बताना पड़ेगा वेदर इट इज व्हीट, वेदर इट इज राइस, वेदर इट इज व्हीट में भी हाइब्रिड वेराइटी का नाम लिखो, आपको लिखना पड़ेगा व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपको लिखना पड़ेगा व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, बाद में उसने भी बहुत रोल प्ले किया, आपको यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग का नाम भी लाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन का नाम बाद में जो आना चाहिए वो भी लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ आएगा। यानी कि टेक्नोलॉजिकल मैंने लिखा, इकोनॉमिक मैंने लिखा, मैंने सोशल लिखा, लेकिन ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक में हेयर आई कैन अप्रिशिएट इट सेड फॉरेक्स पीएल 480 चला गया, इनकम ग्रोथ इन पंजाब है ना, कितनी इनकम ग्रोथ, क्या जीडीपी था, क्या पर कैपिटा इनकम था, क्या इसमें भी हाई लैंडलॉर्ड्स को मिला, ये इसके अंदर सारे सेक्शन को फायदा हुआ, क्यों ना मैं इंपैक्ट को यहाँ पर भी सोशल में कन्वर्ट कर दूं, तो सोशल इंपैक्ट मेरे को लेके आना चाहिए, सोशल इंपैक्ट में मुझे लिखना चाहिए एक सर्टेन क्लास इमर्ज हुई, रूरल कैपिटलिस्ट की क्लास इमर्ज हुई, लेकिन साथ साथ में एक क्लास स्लेवरी सर्फडोम वाली हुई, चाइल्ड लेबर इंडिया में बैन है लेकिन फिर भी एक एक फोर्स लेबर वाली क्लास, एक एक शेयरिंग शेयर क्रॉपिंग वाली क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास भी इमर्ज हुई, एक रेंट सीकिंग एटीट्यूड भी देखा गया, और साथ में जो एक मनी था, मनी जो आया ग्रीन रेवोल्यूशन से, उससे एक नई पॉलिटिकल क्लास पीजेंट्स की वो भी इमर्ज हुई। साथ में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वेंट ऑन टू इम्पैक्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो, हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन वेंट ऑन टू यू नो शेप रिसोर्सेस फॉर इंडिया। लेकिन ये क्वेश्चन 1970s के हैं, तो आंसर मैंने आपको 2022 के बताए हैं, 2024 के बताए हैं, तो देखते रहिए, समझिए, जानिए, बुझिए, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट पांसी यू कैन प्लीज आस्क मी। नो सर, नो डाउट, बट आई गॉट मोर क्लैरिटी हाउ आई नीड टू बी मोर स्पेसिफिक इन आंसर राइटिंग एंड मोर ऑल्सो अबाउट यू नो चूजिंग द हेडिंग्स. थैंक यू वेरी मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मोर कॉन्फिडेंस, मोर क्लैरिटी एंड योर एबिलिटी टू से दैट आई कैन गेट द बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। सो प्लीज डू वॉच अनसरकारी, ग्रो विद अस, गेट सक्सेस एंड गेट बैक टू अस फॉर अमेजिंग बट कस्टमाइज कोर्सेज विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स बिकॉज वी वर्क डिफरेंटली, दैट इज वाई वी आर अनकन्वेंशनल, दैट इज वाई वी आर अनसरकारी। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस very soon.